أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم. आयत नंबर 65, आयत नंबर 66, दो छोटी सी आयतें हैं। सूरह बकरा की इन दो छोटी आयतों में खुलासा, नतीजा पेश किया गया है नाफरमान बंदों की नाफरमानी का, ख़ास तौर पर वो नाफरमान बंदे गुनाहों की नाफरमानी की वजह से अज़ाब में मुब्तला किया गया, फिर माफ़ी दी गई, फिर नाफरमानी करे, फिर अज़ाब की शक्ल लौट कर आई, फिर अज़ाब किन के लिए? मुसलमानों के लिए। किन के साथ हुआ? मुसलमानों के साथ हुआ। उन लोगों के साथ हुआ जो नबी और अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखा करते थे, दावा था कि हम मुसलमान हैं, दावा था कि हम एक नबी के उम्मती हैं, हम एक नबी के उम्मती हैं, हमारी नस्ल में पिछले ज़माने से अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम का सिलसिला चल रहा है, लेकिन जब दुनिया मीठी दिखती है, अच्छी लगती है, ईमान को, ईमान के तकाज़ों को एक तरफ, हाकिम आला जो खालिक और मालिक है उसके मना करने की जो हिकमत और मसलियत है, उसको खैरबाद कहकर अपनी तरफ से, अपने जहन से दुनिया के मकासद को हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाना, जब गुनाह बड़े होते थे, ख़ास तौर पर मुसलमानों से अल्लाह को वादो ला शरीक मानना, अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान रखना, ये मुसलमान थे, पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, कुरान ने जगह जगह जिक्र किया, उसकी तफसील और आते चले जाएगी, कुरान की तिलावत करते चलें, सबसे ज़्यादा तस्किरा इन्हीं मुसलमानों का, इन्हीं के पैगंबर का, इसी मुक़दस किताब का जिसका जिक्र है तौरात, हमारी सुम्मत के बाद वाला मकाम उनके लिए, वो सारे नमूनों को जिक्र कर कर जमा किया अल्लाह ताला ने, उन्हीं की नस्ल के बाप दादाओं से चले हुए आज भी इंसान मौजूद, यहूदी फिल वक्त तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, रास्ता फिर रास्तों पर सारी की सारी दुनिया पर कब्जा जमाए हुए हैं, इसमें आज यहाँ हम रहते बसते हैं, हम भी बचे हुए नहीं हैं, हम जो बचे नहीं हैं इनडायरेक्ट बिलवास्ता, जितना यूरोप है, अमेरिका है और उसके जितने हलीफ हैं,
दुनिया ममालिक के ऊपर जो कब्जा है, और उनका बाया हाथ बना हुआ है क्रिश्चियन अंसार, तीसरा फरीक है कम्युनिस्ट, इधर का बिलाद चाइना, रशिया, कोरिया, जनूबी कोरिया, शुमाली कोरिया वगैरह वगैरह। रहमत हम आखिर जमा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बना दिया। आपका वजूद कायनात की हर चीज़ के लिए रहमत 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 मेहरबानी। जिनका तज़किरा है उससे बड़े बड़े गुनाह में मुब्तला आज के का इंसान, इस्लाम का नाम लेवा लोग भी, फिर भी अल्लाह तबारक ताला उनको हलाक को बर्बाद नहीं कर रहे। इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबुहुम वअन्त फ़ीहिम, कुरान में फरमाया आपका वजूद है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए लेकिन आप हैं, आपका हुक्म है, आपकी सुन्नत है, कौन परवाह कर रहा सुन्नत की। कोई आ रहा नमाज में पहले सुन्नत पढ़ के नमाज फर्ज में ठहर रहा, कौन परवाह कर रहा सुन्नत की। अज़ान के साथ हर काम को छोड़कर अपने कदम को आगे बढ़ाना नमाज के लिए बोलकर है, कौन कर रहा सुन्नत की। घर से वजू करके फिर मस्जिद के इरादे के निकलना, जब निकल गए वहाँ से इबादत शुरू हो गई, सीटी नहीं बजाना, उंगली नहीं तोड़ना, बेकार फजूल गुफ्तगू में नहीं लगे रहना, मस्जिद में आने के बाद तो मोबाइल को तलाक देना तलाक देना तलाक देना, कौन कर रहा कौन कर रहा। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला इन चीज़ों का हिसाब किताब लेगा, ये जिक्र है। फिर फौर अल्लाह को बर्बाद कर देना, इसको रोक के रखा, लेकिन उसके असरात सारी दुनिया के गुलाम बनाते चला, गुलाम बनते चल रहे हैं। दुनिया में जो मुसीबत है कहलाने वाले मुसलमानों की नाफरमानी की वजह से, गैर मुस्लिम है तो उसके ऊपर क्या भरोसा करते हैं आप, उन्हें है छे नमाज के बारे में उसको क्या चीज़, ज़कात वो कहीं को अदा करेगा, खातिर को खत वो कहीं को करेगा, जेल की सजा दे रहा उन्हें, अपना कानून चला रहा। अल्लाह ने चोर को हाथ काटने का जिक्र कर दिया, अब तो लतीफे जोक बनाकर चल रहे हैं, कर लो चोरी कितनी भी बड़ी है, एक बार चोरी कर ले तो चोरी करते चलो करते चलो करते चलो करते चलो, जिस वक्त पकड़े जाएंगे फिर इसमें आएंगे फला मामले मुलवस, ये चोरी वो चोरी वो चोरी, नमाज की अदायगी में एक गलती दूसरी गलती तीसरी गलती चौथी गलती, खुदा का कहना करे पाँचवीं गलती, फ़र्ज की अदायगी में ताखिर हुई या वाजिब छूटा, कितने सजदा सो करना है, एक ही सजदा सो करना है। इसी तरह जितने जुर्म हो गए सजा एक ही देना है, जुर्म एक ख़सम का हुआ चोरी पर चोरी चोरी पर चोरी, ये इंसानी कानून बना कर रखा 3 महीने की जेल बस, तो छूट जा आज हो वगैरह वगैरह। ये 2 छोटी आयतों में नतीजा आएगी, नतीजा इसलिए करूँ मैं
इसकी बड़ी तवील तफसील है। पारे नौ में मुस्तकिल तौर पर एक रुकू है, यहाँ पर वो नतीजा है। इसे हल्का इशारा देते हैं, इसे तर्जुमे पे इक्तफा करते हैं। पिछली आयतों से चला हुआ सिलसिला चले आ रहा है जिनकी शरारतों का, फिर माफ़ी अल्लाह ताला की, तौबा के सख्त तरीक़े थे, कत्ल के कत्ल किए गए, गुनाहों के ज़िमन में एहसास हुआ, शर्मिंदगी हुई, पैगंबर थे, अल्लाह का हुक्म आया, फ़क्तुलु अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम, गर्दने उड़ाते चलो, रजामंदी से उड़ा लेना गर्दने तो तुम्हारी तौबा कबूल। हश्र के मैदान में इस गुनाह के बारे में नहीं पूछेंगे, इस जुर्म की सज़ा नहीं देंगे, ये तौबा हो गई, माफ़ हो गई। अब तुम्हारे नेक अमल की बुनियाद के ऊपर अगर हम चाहेंगे तो अपने फजल व करम से तुम्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यही मसला आज भी है। वह ये था, अल्लाह ताला ने महीने अल्लाह ने पैदा किए, ज़माना अल्लाह ने बनाया, दिनों को अल्लाह ने बनाया, रात को अल्लाह ने बनाया, दिन को अल्लाह ने बनाया, महीने को दिनों में तकसीम किया, चार हफ्ते के आसपास में, लिहाजा वीक हफ्ता सात दिनों का किया, सात दिनों की हिकमत भी सूरह हामिम फुसिलत में तफसील के साथ आएंगी। खलक़ ना समावाती वल अर्ज़ फी सित्तति अय्याम, सात दिनों बनाकर तुम्हारे लिए जितनी चीज़ें सारी कायनात को सेटल करना था तुम्हारे टाइमिंग के लिहाज से छः दिनों में ये काम किया गया, यानी धीरे धीरे तरतीब के साथ, वरना क़ादिर मुतलक की कुदरत के लिए उसने ये कह दिया मैं तो वो हूँ, कुन फयकुन, हो जा हो जाता है, ये भी हुआ, मुँह तो पामाताफता अलम तदीन खर्जु मिन दियारिमूफ़ हजर मौत फ़ालाम्ला मुँह तो इतने एरिए में बड़ी ख़तरनाक बीमारी आ गई है, हम पूरी बस्ती छोड़कर जाएंगे, यहाँ रहे तो मौत को दावत देना है, हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं एक के पीछे गिरते जा रहा, मरते जा रहा, वन 1947 से पहले एक ऐसी नौबत खुद हैदराबाद में दक्कन में गुजरी है, प्लेग प्लेग के नाम से जो ताउन था, घर के एक फर्द को कमोबेश हर घर को कब्रिस्तान में दफना कर फिर घर लौट कर आते हैं तो फिर दूसरा मुर्दा पड़ा हुआ रहता। शहर के लोग भी घर बार को छोड़कर अतराफ में खुले मैदान में जंगलों में जाकर रहे भी, कोरोना से ज़्यादा मरे, कोरोना में तो टाइम टू टाइम मरे, उसमें अल्लाह ने कहा कि हमने सिर्फ चलो तुमको जिंदा रहने का हक़ नहीं, चलो मौत को हुक्म दिया, सबके सब मौत के घाट उतर गए, यानी तरतीब के साथ धीरे धीरे करते हैं अल्लाह ताला। तो लिहाजा छः दिन के बाद एक दिन उस वक्त तुम्हारे किसी चीज़ को पैदा करने का तस्किरा नहीं है, इसीलिए उसका नाम रखे सब तो जालना नौमा सुबह था, सूर्य
अम्मा तो सालून के अंदर जिक्र है, उजालना अन्नौमा सुबह था सब्त, इस आयत में भी है सब्त, वलकद आलिम तुम लदी नातुम फिर सब्त, हफ्ते का दिन। उसके एक माना आते सारे मुसीबत को कट कर देना, खामोश बैठना। हॉलीडे क्या जैसा, दिन भर के सारी मुसीबत को छोड़ देना, मजदूर मजदूरी को छोड़ देना, हर किस्म के काम को छोड़ देना। रात होती है उसके बाद दिन भर के थकान को आराम कर कर, फिर कुदरत ने कुदरती निज़ाम बना कर रखा, पूरी तनाव तवानाई एनर्जी रिपीट करते हैं अल्लाह ताला। जिसको नींद आने की बीमारी है, हार्ट अटैक होता, पालिज मारता, लखवा मारता, पागल बनता, डिप्रेशन आता, ये मुख्तलिफ शक्लें, मुसलसल नींद नहीं आना, बेतरतीब सो के बोलेंगे मुझे रात में नींद नहीं आती है, ये दीवाना और पागलपना है। सोने के लिए अल्लाह ने रात बनाया, शहरी लोग हम नहीं मानते, अमली तौर पर हम नहीं मानते। दो ढाई तीन बजे के बाद देखेंगे, बल्कि आपको बुलाएंगे अदब एहतराम के साथ, 12 बजे 1 बजे खाना खो बोलेंगे आपको। न किसी पैगंबर ने फरमाया, न कुरान ने फरमाया। अब तर्जुमा किए जाते हैं, ऐ बनी इसराइल, मौजूदा दौर के भी यहूदियों को बता रहे हैं, तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है ना तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया था। तुम्हारी कौम का एक बड़ा हिस्सा, जैसे हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हैदराबाद में रहते हैं, यहाँ समंदर नहीं है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, समंदर के बाजू भी बस्ती रहती है। जैसे बॉम्बे चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, मद्रास चले जाइए, वाइजाग चले जाइए, उन की ग़िज़ा में भी तब्दीली रहती है। यहाँ कुछ भी नहीं मिला तो रोज़ाना अचार की शक्ल रख के खाते चलेगा, वहाँ सुबह शाम 3 मरतबा मछली चलेगी, और मछली खाने के ढंग भी उनके पास रहेंगे। यहाँ की ज़िंदगी नहीं, एक ही किस्म का ढंग नहीं रहा, डालो यूँ करो दे दो, क्या मछली खा रहे, नहीं खा रहे, खाना भी नहीं आता, 20 तरीक़े उसके खाने के। वो तो तुम्हारे ऊपर के नस्ल थे ना, तो पूरे के पूरे मुसलमान नहीं थे, एक बस्ती थी बहर खुज़ुम के करीब में, मकाम आइला मुल्क शाम मदीने की तरफ के दरमियान में समंदर की पट्टी पे, बड़ी बस्ती बड़ी बस्ती बड़ी बस्ती, और जहाँ रहने वाले वहाँ के बाशिंदे, उनका रोटी रोज़गार भी मछली पकड़ना, दूसरों को सप्ले करना, खुद मछली खाना और जीना, उसी के इंतजाम करना, इतना कारोबार चलता है। सारे हिंदुस्तान में से कोई शहर छुटा हुआ भी नहीं है, वहीं से मछली आती भी है। ये फार्मों की मछली जो हौले लोग हैं वो खाते हैं दमा खोला बनने के लिए, 2-3 पैसे बचाने के लिए, बीमार पड़ने के लिए, बीमार की बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए, जो बीमार नहीं उसको बीमार डालने के लिए, बहते हुए पानी की मछली खाना, बड़े पानी की बड़ा तालाब है तो उसकी मछली खाना। अब शहरी ज़िंदगी तो गड़बड़ करके रख दिए, फार्म हाउस बना के रख दिए, मुर्गी फार्म हाउस के खाओ, अंडे फार्म हाउस के खाओ, मछली फार्म हाउस के खाओ, ये खतरनाक 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 खतरनाक, सुनने के लिए तैयार नहीं कोई, किसी को बुलाए तो मुझे फुकट में मिल रही, ये मिलोगे बोलो मैं खाते चलता हूँ। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए मुकद्दस दिन करार दे दिया, सारी दुनिया को मुकद्दस दिन करार दिया, अल्लाह ताला ने जुमे का दिन, जुमे का दिन, जुमे का दिन।
लेकिन इस उम्मत को जुमे का दिन जब अल्लाह ने ज़रूरी करार दिया, आज का मुसलमान भी जुमे की अहमियत नहीं है उसके पास। रूटीन का मैं जाके कर लेता हूँ तो सजदे मार को आता हूँ, पढ़ को भी नहीं मार को आता हूँ कि ज़िंदगी अच्छी चलना। अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया चाहते हो, कुरान में भी है, एक मरण वो है जितनी शरारत करोगे तुम्हारी दुनिया और अच्छी करेंगे, तुम समझे कि हमारा रब हमसे राजी है, नहीं 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 नहीं, एक वक्त में पकड़ेंगे आप। फतहना लहुमुल अबवाबा मिन कुल्ली शय, और ढील देंगे, हलाकत बर्बादी में कहाँ तक जाता चले जाओ, उन्हें तो और खुश होता और नाचने लगता और दुनिया की चीज़ों का मुजाहरा करने लगता। तुम लोग खूब जानते हो उन लोगों को जो तुम्हारे असलाब में गुजरे हैं, इन्होंने नाफरमानी की हफ्ते के बारे में, ये लोग ज़िद किए हमें जुमा नहीं चाहिए, हफ्ता चाहिए, हफ्ता चाहिए, बहुत ज़िद करे। पैगंबर थे मूसा अलैहिस्सलाम तो ज़िद करके लिए, तो अल्लाह ताला ठीक है तुम्हारे लिए हफ्ते का दिन जुमे का दिन बना देते हैं। जुमे का दिन का नाम है इबादत का दिन, इबादत का दिन। फतवों को छोड़ो जी, फतवा अलग चीज़ रहती है, कुरान का ताल्लुक तखवे से है। पहले आया था उदल मुत्तखीन, तखवा तखवा होना है। फतवे में बीस चीज़ें आपके लिए रहमत खुदाबंदी से दूर करने वाली रहती हैं, आप हिले बहाने करके फतवा लेते हैं, मैं ऐसा ऐसा निकलता हूँ, ऐसा ऐसा निकलता हूँ, किसको फिरा रहे हैं? अल्लाह ताला, अल्लाह ताला को फिरा रहे हैं। अल्लाह ताला तो दिलों को जानता है और तुम अपने जेबों को जानते हैं, अपनी दुनिया को जानते हो। वलकद आलिम, तो तुम्हें खूब मालूम है उन लोगों को जिन्होंने ज़्यादती की हफ्ते के बारे में, अल्लाह ने उनको हफ्ते का दिन जुमे का करार दिया। आज भी यहूदी हफ्ते को जुमा मनाते हैं, ताकीद कर दिया, कोई एक पैसे की कमाई का भी काम नहीं करना, पूरे 24 आवर्स खाओ, इबादत करो, इधर जाओ उधर जाओ, कोई भी डीलिंग नहीं करना, दुकान नहीं खोलना, मेहनत नहीं करना, मजदूरी नहीं करना, अल्लाह ने मना किया है। जुमे के लिए हमको मना किया, कौन सुन रहा है? ये कौम जो समंदर की पट्टी पे रहती थी, ये मुसलमान, अजीब कारनामा, ये कारनामा कमाल का है। रोज़ मछली पकड़ने जाते, बड़ी मुश्किल से मिलती, कभी थोड़ी मिलती, कभी ज़्यादा मिलती, कभी नहीं मिलती, इसलिए हिंदुस्तान में जुनूब के हिस्से में ख़ास तौर पर मछली के शिकार के जाने वालों कहते हैं 30 मार खां, दूसरे कहते हैं झक मार खां, घंटों ज़ाया होते हैं, अपने शौक़ की थोड़ी सी तकमील के लिए करके आता है उन्हें। बात तो जब देखते थे, जब हफ्ते का दिन है, जब इंसान जाता ही नहीं, अब मछलियाँ समंदर के किनारे किनारे करे बहुत सारे आ जाते, कभी तो ऐसा दिखता अरे हाथ डाले तो मिल जाएंगे, कभी इतने ज़्यादा दिखते मुनिया ऊपर उठा उठा के उनकी सोना ऊपर उठे उठे जैसा दिखते। जो ही हफ्ते का दिन ख़त्म होता फिर वो दूर दूर चले जाते। यहाँ बात काबिल गौर है, ज़ाहरी तौर पर तो हफ्ते दिखते थे, अल्लाह का हुक्म है
कुरान कहता है कि हर चीज़ अल्लाह की इताअत इबादत करती है। अल्लाह ने उन्हें भी मालूम करा दिया इल्हाम, ओहा रब्बुका इलन नाहली, मक्खियों को भी सबक पढ़ाते हैं अल्लाह ताला। कादिर मुतलक का ताल्लुक, तो अब तो फ्री जून हो गया, कोई आएगा नहीं, पकड़ेगा नहीं, मारेगा नहीं। अपने खुदा खुदाबंदी का पता उन्हें भी चला। दूसरे, आप किसी को मत मारो, जानवर के बड़े घने जंगल में रहो, आप शिकार मत करो, आप तो शेर भी आपके बाजू आके बैठेगा, चीता बाजू आके बैठेगा, सांप आके बाजू बैठेगा, आपके साथ खेलेगा। इसलिए कि उसको आपसे डर नहीं, फिर आपको डर निकलेगा, आपको उससे डर नहीं। तो उसने क्या किया, समंदर के बाजू में गड़ा खोदते गए, जिन्ने के दरवाजा गड़ा खोद दिए, ऊपर से छोटी नाली समंदर के पानी से आने वाली मिला दिए, जुमे के दिन कर देते थे। वो मतलब चलते चलते गड़े में आकर तो छोटे पानी ऊपर नहीं चढ़ते थे, फिर हफ्ता गुजरते इतवार के दिन आके आसानी से बड़ी मकदार पकड़ लेते थे। एक दिन दो दिन नहीं हुआ, चलते गए, अल्लाह ने समझाने वालों को भेजा, ये पारे नूह में भी है, उन मुसलमानों के बाद मुसलमान ऐसे रहे, ये गलती कर रहे हो, देखो नहीं। दूसरे बोले, हम तो करते नहीं भी, हम करते नहीं, लेकिन हम उनको रोकते भी नहीं, काबू कर लेना तो जाने तो हम क्या करेंगे। तीसरे, हम सुनते नहीं। ये तफसील पारे नौ में खुले अल्फाज में वजाहत के साथ है। हफ्ते के बारे में आखिर में जब नहीं रुके तो हमने बस हुक्म जारी कर दिया, कूनू क़िरदतन ख़ासिन, तुम इंसान हो रहे, तुम्हारी इंसानियत को हम बदल देते हैं बंदरों में, खाली हुक्म हुआ अल्लाह का, सब बंदर बन जाओ, सब के सब बंदर बन गए, पूरे बंदर, उछलना कूदना करना, ये करना वो करना, ये करना वो, अजीज़ों के पास उछलना करना, कोई अजीज़ अखारी लात मार के बाहर भगा करे करे। ईसाइयों ने सुजन प्यार करके तो उनको तो खंजीर बना, उसके तब से परीक्षे में आने वाली है। ये सजा को जिक्र कर रहे हैं उनके लिए, ये सजा को आज के मुसलमानों के लिए, रहमतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में फौरन गुनाह के नाफरमानी के सजा खुल्लम खुल्ला के तुमको बर्बाद कर रहे हैं, हलाक नहीं कर दे रहे हैं, उसका रिएक्शन जालिम तुम्हारे पर मुसल्लत, दूसरों के नफरत तुम्हारे पर, तुम बाहर जाओ तो हैबत से जाओ, थोड़ा सुकून लेना तो दरवाजा बंद करके सुकून लो, ये हालात हैं हिंदुस्तान के। फजअल्लाह, हाँ तो हमने इनको कर दिया इबरतनाक सजा जो आज भी जिक्र में आ रही, और अल्लाह से डरने वालों के लिए बहुत बहुत बड़ा वाज और नसीहत वाली चीज़ है, या नसीहत क़यामत तक के लिए है। एक एक चीज़ नाफरमानी की, फिर उस कौम का एक दूसरा हिस्सा, फिर इंसान आपस में शरारत, फिर उसके बाद करना शरारत, एक इल्ज़ाम दूसरे को देना, बदमाशी करना, दूसरे को बदमाश करार देना, फिर उसकी तफसील आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।